गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारी बुक के अंदर दे रखा है। ज्योग्राफी एक ही बुक के अंदर अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो ज्योग्राफी वाला चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इसको हम देखेंगे। लास्ट में हम लोगों ने हिस्ट्री का जो एक चैप्टर है फर्स्ट वाला वो देख लिया था और उसके भी काफ़ी वीडियोस बने थे, अच्छे से उसको हम लोगों ने डिटेल में रीड किया था। और अभी उसके बाद में हम लोगों ने सिविक्स जिसको पॉलिटी बोलते हैं उसका भी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर है वो फर्स्ट कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसमें वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर देखो हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वाटर के बारे में हम लोग डेली कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और ऑल जो सारी क्लासेज है उसमें हम लोगों ने वाटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है जो हमारी जो ज़रूरत है डेली नीड्स है उसके लिए अवेलेबल हो रहा है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं देयर इज 71% वाटर एंड 29% लैंड इन अर्थ सर्विस। हम लोगों ने सबने ग्लोब देखा होगा, मैप देखा होगा, बुक्स के अंदर भी आपके बना हुआ है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग जो है वो आइलैंड्स बने हुए हैं, जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बाकी जो रिमेन पार्ट है ये सारा का सारा वाटर है। तो ये जो लैंड वाला जो पार्ट है वो ओनली 29% है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। और जो ऑल जो सरफेस है, सारा जो अर्थ का सरफेस है उसका 71% है वो ओशंस है, उनके अंदर वाटर बॉडीज़ में मिलता है हमको। तो वाटर जो है वो ज़्यादा पार्ट है। जो मैप देखते हैं तो उसमें स्काई ब्लू जो होता है वो सारा का सारा वाटरी पार्ट है, ठीक है, वाटर। तो 97% जो 97% पार्ट है वाटर का इज सैलिन वाटर। अब जो भी जितना भी जैसे 71% है इसके अंदर से जो 97% जो वाटर है वो सैलिन वाटर है। सैलिन वाटर मतलब समुद्री। हम लोग देखते हैं ना चारों तरफ समुद्री समुद्र दिखते हैं हमको, ओशंस है, जैसे इंडियन ओशंस है और पैसिफिक ओशंस है, अंडमान निकोबार, इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी के सारे सैलिन वाटर में आती है। मतलब ये जो पानी है समुद्र का है वो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। Which is found in the form of sea and oceans. Sea और ocean के form में हमको मिलता है और ये हमारे जो daily use है उसके अंदर काम में नहीं आता है। मतलब इतना पानी होते हुए भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। Remaining 3% of water. अब इसके अंदर जो 97 है इसके, अब ये 97 तो saline हो गया, उसके बाद में जो 3% water है इज़ यूज बाई अस, जो हम जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम लोग काम में लेते हैं। देखिए वाटर हम हर काम के लिए लेते हैं, एवरी वर्क है जो हम वाटर से करते हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना वाटर की कमी हो रही है, पानी बचाओ, तो पानी को है वो इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे उसको अच्छे से सब लोग प्रॉपर यूज़ कर सके। तो रिमाइनिंग 3% जो वाटर होता है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसी जो 3% का जो 69% है वो हमको कहाँ मिलता है, फाउंड इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। पहाड़ पे जो बर्फ़ होती है ना जमी उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। ऊंचे ऊंचे जो एरियाज़ है, माउंटेन्स हिली एरियाज़ है, वहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो ग्लेशियर्स के रूप में होती है। तो जो 69% वाटर है वो ग्लेशियर्स के रूप में है। देखिए हमारी जो धरती है उस पर 29% लैंड है और 71% वाटर है, ठीक है। अभी जो 71% जो वाटर है इसके अंदर 95% इसी का 97%, ठीक है, इसका जो 97% है वो वाटर जो है वो सैलिन है, मतलब समुद्र का है। जो रिमाइन 3% जो वाटर है वो यूजेबल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो 3% है ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्म्स में हमें हमको अवेलेबल होता है। तो इसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं जो 69% है वो ग्लेशियर्स फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स की फॉर्म में वाटर वो अवेलेबल हो रहा है। और 30% इज़ फॉर्म इन फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर। ज़मीन के अंदर हम जो देखते हैं ना कुआं खोदते हैं और वाटर वेल्स होते हैं, हैंडपम्प्स होते हैं, तो ज़मीन के अंदर पानी निकलता है। बच्चों के अंदर ये होता है ना इच्छा कि अंदर पानी कहाँ से आया,
ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई पानी कैसे आया नीचे से, ठीक है। तो ये जो 30% जो वाटर होता है ना, ये अंडरग्राउंड वाटर है। हमारी धरती है ना, उसमें नीचे पानी है अलग अलग जगह पे, तो लोग जो है उसको खोद खोद के निकाल लेते हैं, वेल्स कुओं के रूप में निकाल लेते हैं, हैंड पंप्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर लोगों ने यूज़ कर रखे हैं, और जो ज़मीन का पानी है उसको वो निकाल के यूज़ करते हैं। बट ओनली 1% पार्ट ऑफ वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। अब जो सारा वाटर था उसका ओनली 1% ड्रिंकिंग में, मतलब पीने के लिए हम काम में लेते हैं, इरीगेशन हम सिंचाई में लेते हैं, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी सारे काम होते हैं ना घर के अंदर है, वो सारे कामों में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, जो भी काम होते हैं उसमें हम लोग इस वाटर को यूज़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज़ वेस्टेड। बहुत सारी जो हम देखते हैं कि बरसात होती है एवरी ईयर, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात आती है, पानी है वो नालियों से बह के निकल जाता है, तो गोज़ वेस्टेड, वेस्ट हो जाता है इन द सीज थ्रो रिवर्स। जैसे बरसात हुई, ठीक है, अब ये सारा पानी सड़कों से निकला, नालियों में गया, और उसके बाद में नदी है वहाँ पे मिल जाता है, और इस नदी से जो बहुत सारी नदियाँ हैं हम लोगों ने देखा था समुद्र में मिलती है, ठीक है। जैसे इधर सरस्वती जो है, नर्मदा है, ये सारी की सारी तो अरेबियन सी में जाती है, और इस तरह से गंगा है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र वगैरह जो रिवर्स है, ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ का पानी जो है वो सैलिन है, सॉल्टी है, तो ये पानी है फिर वो वापस जाके सॉल्ट पानी में मिलके सॉल्टी हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो जो बहुत सारा जो मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है ना, वेस्ट हो जाता है। सो वी नीड, इसके लिए हमको ज़रूरत है एडप्ट वाटर मैनेजमेंट की, एक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम हम लोग अपनाएं, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी जो डिमांड भी बढ़ रही है पानी की, तो उसके लिए जो पानी है वो मतलब यूज़ किया जा सके, किस तरह से हम पानी को है वो कंजर्व कर सके, यूज़ कर सके, सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए, इसके लिए जो वाटर मैनेजमेंट का एक अच्छा सा सिस्टम हमको अडोप्ट करना चाहिए, जिससे जो एवरी ईयर जो बरसात होती है, रेन होती है, वो वाटर है वो ऐसे ही वेस्ट ना जाए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमिनाइज, मतलब जब सूखा और होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, कभी कभी होता है ना पानी होता नहीं है, कोई साल होता है जब बारिश कम होती है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो वाटर मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं, आप लोग सभी लोगों को यही करना चाहिए कि जैसे पुराने टाइम में तो होता था, ठीक है, और अभी भी कई जगह जो रूरल एरियाज है, गांव का जो एरिया ना, वहाँ पे ये होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे छत, ये जो टेरेस होती है ना छत, वहाँ पे इसे नाले बना होता है, नाला होता है ना, उस नाले से जो वाटर होता है वो नीचे आता है और यहाँ पे उनके टैंक बना होता है, उस टैंक में चला जाता है। तो इसलिए आजकल जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम चला रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि टैंक बनाना कंपलसरी हो जाता है सबको, और फिर वो जो बरसात का पानी है, ये इसकी जो पिक्चर है ना वो आपकी बुक के अंदर पीछे बनी हुई होती है, हो सकता है अभी आपकी इस बुक में भी हो, ठीक है। तो ये जो टेरेस का जो पानी होता है ना, घर का सारा पानी, ये उस नाले से और ये पाइप वगैरह बने होते हैं और फिर यहाँ पे टैंक में इकट्ठा होता है, फिर ये थोड़े दिन बाद में क्या होता है, सेडिमेंट्स हो जाते हैं, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो साफ़ पानी होता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। कुछ लोग होते हैं वो उसको बॉयल करके पीने में भी काम में लेते हैं, कपड़े धोने में, गार्डनिंग में, और जो बेसिक काम है हमारे घर के वो सारे हम इससे कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो है वो वाटर को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ किया कीजिए, नल अगर खुला है तो उसको बंद कर देना चाहिए, है ना, फालतू पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट है वो कंपलसरी ज़रूरी है, जिससे जो आने वाले जो लोग हैं उनको सबको वार्डन पानी मिल जाए। वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अब वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज, काम में लेना रेन वाटर बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्राइट मैनेजमेंट। तो जो रेन वाटर होता है ना, अभी हम लोगों ने समझा किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम होता है, जो पानी होता है उसको किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, ये वाटर मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है, और वाटर को हम मैनेज करके आगे नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग। अब वाटर मैनेजमेंट में हम लोगों को प्लानिंग बनानी होती है, डेवलपिंग करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ वाटर सोर्स। जो भी वाटर सोर्स हैं उनको किस तरह से प्लान करके बनाना है, किस तरह से उसको स्टोर करके रखना है, कैसे लोगों को है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी की सारी इसकी पार्ट है।
वाटर इज़ ए बेसिक नेसेसरी, तो ये सबको पता है कि वाटर जो है वो नेसेसरी, सबकी ज़रूरत है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम कोई भी काम है वो बिना वाटर के नहीं कर सकते। एक दिन भी अगर नल नहीं आता तो हमारी कितनी परेशानी हो जाती है। तो गांव के कुछ एरिया ऐसे जहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ फिर वो लोग किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। इस तरह से वाटर को मैनेजमेंट करके रखना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और जो सारा पानी है उसका अच्छे से यूज़ हो जाए। नो लिविंग क्रिएशन, कोई भी जो जीवित प्राणी है कैन लिव विदाउट द वाटर, पानी के बिना नहीं रह सकता। दिस इज़ देर इज़ ए सैक्रेसिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सैक्रेसिटी आ जाती है, कमी हो जाती है पानी की, क्योंकि लोग होते हैं ना वो वेस्ट करते रहते हैं। रेन का जो वाटर है वो भी ऐसे ही चला जाता है, उसको स्टोर करके रखते नहीं। मैनेजमेंट से अगर हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी। इसलिए सेव वाटर वाले जो है वो स्लोगन आपने जगह जगह देखे होंगे। टू अवॉइड दिस सैक्रेसिटी, पानी की जो कमी है इसको दूर करने के लिए वाटर नीड टू बी सेव, पानी है उसको सेव करके रखना एंड मैनेज्ड एफिशिएंटली, और मैनेजमेंट से उसको यूज़ करना जिससे वो पानी की कमी है वो नहीं हो। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इसके लिए देखो, ये तो हमारी जो बेसिक जानकारी थी। ठीक है, कि किस तरह से वाटर जो होता है वो हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरत है, कितना जो है वो वाटर हमारे लिए मतलब अवेलेबल है, हमको किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए मैनेजमेंट से, प्लानिंग से। ठीक है, और अब हम देखते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और वाटर जो होता है उसको यूज़ करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसका बहुत सारा यूज़ करने के लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है ना बहुत सारे जो एम्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, बहुत सारे कामों को किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें डैम होता है। डैम का आपने कई जगह नाम सुना होगा, डैम्स बने हुए होते हैं जिसे रिवर्स होते हैं ना, उसके पानी को रोकने के लिए अलग अलग जगह पे डैम्स बने होते हैं। ठीक है, जिसको बांध बोलते हैं, बांध बना के भी पानी है उसका यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि बरसात के मौसम में कई जगह ऐसी होती है, अभी हम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि कई जगह जो बरसात का पानी है वो इतना आता है कि लोग डूब जाते हैं एवरी ईयर्स। ठीक है, आप लोग टीवी उठा के टीवी के अंदर देखिए, टीवी चला के न्यूज़पेपर उठा के देखिए किस तरह से जो लोगों को पानी से परेशानी हो रही है, मतलब बारिश के अंदर है वो लोग कितना परेशान हो रहे हैं। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बारिश हो भी नहीं रही है, जैसे हमारे राजस्थान के जो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं ना जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको दूर करने के लिए जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो चलाए जाते हैं। तो डैम्स आर कोल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, डैम्स को, बांध को बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़ लाइक, ये बहुत सारे जो पर्पज़ होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उनके ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर सप्लाई। तो नदी जो होती है उसके पानी को एक जगह स्टोर कर देते हैं, एक जगह उसको ब्रेकअप मतलब रोक देते हैं, जिसकी वजह से फिर उसी पानी को है वो आसपास के एरिए के अंदर पीने के लिए सप्लाई कर देते हैं, किसी वर्क के लिए सप्लाई कर देते हैं डेली उसके लिए। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग जो डैम्स हैं उनके नाम सुने होंगे, भाखड़ा डैम्स हैं और नांगल डैम्स हैं, चंबल डैम्स हैं, कोटा बिराज है, ये आप आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद में इरिगेशन के सिंचाई के लिए भी काम में लिया जाता है, इसी पानी को ये लोग सिंचाई के लिए भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जब बिजली बनाने का काम किया जाता है, इसके अंदर भी जो डैम्स का जो वाटर होता है ना उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर उसको फोर्सली यूज़ करके उनका जो साइकिल होता है, सर्कल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे नदी के अंदर ही, नदी से नदी के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो जाता है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ जब आने की स्थिति होती है ना, अभी हम लोगों ने देखा होगा कि कई जगह होती है वहाँ पे बहुत सारी बारिश आती है और लोग है वो डूब जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए फिर वो पानी है उसको रोक देते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे जैसे बांध क्या होता है कि रिवर्स है, आपके बुक के अंदर एक काफ़ी अच्छा सा डायग्राम बना, अभी रिवर जो है इसके वाटर फ्लो एक्स्ट्रा होता है ना, तो इसको फिर गेट होते हैं इसके अलग अलग बने हुए, उनको बंद कर देते हैं और फिर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो गेट को खोल देते हैं, एक गेट खोल दिया तो ये पानी आगे चला जाएगा, फिर एक जो गेट है उसको भी ओपन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वाटर आते हैं। तो इस तरह से जो फ्लड का जो कंडीशन होती है ना उसको रोक सकते हैं। और फिशर्स मतलब मछली पालन किया जाता है इस एरिए के अंदर। ड्राफ्ट कंट्रोल, जो सूखा होता है, अगर किसी एरिए के अंदर बारिश नहीं होती है, पानी नहीं होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से डैम से पानी छोड़ते हैं वो। टूरिस्ट स्पॉट्स, कुछ लोग होते हैं उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी, जैसे लोकेशन होती है ना अच्छी वाली, तो उसको टूरिस्ट स्पॉट के लिए यूज़ कर लेते हैं।
तो ये जो डैम है उसके मतलब किस तरह से उसके काम आ सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपर्पज़। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो पीएम थे, फर्स्ट पीएम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड, उन्होंने कहा था द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को क्या कहा था, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये कोटेशन आपको ध्यान में रखना, वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर आपके आता है कि द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके बारे में कहा, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं उनके बारे में कहा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इंडिया अंडर 5 ईयर प्लान्स। देखिए पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, 5 ईयर प्लान चलता था जिसको 5 वर्षीय मतलब 5 ईयर की जो योजना जिसको बोलते थे प्लान, कि कोई भी जो उसे काम करना है उसके लिए 5 ईयर की प्लानिंग्स बनाई जाती थी, 5 साल के लिए हमको ये काम करना है फिर ये काम करना है, ठीक है, उसके लिए फिर बजट डिसाइड किया जाता था। 2015 के बाद में ये 5 ईयर जो प्लान है वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये 5 ईयर प्लान्स के ही अकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया था, एंड अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो है 5 ईयर प्लान इसको तो चेंज करके और नीति योजना के नाम से कुछ चेंज कर दिया गया, ठीक है। दीज आर ऑपरेटेड बाई, अब ये जो भी मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं ना इनको ऑपरेट कौन करते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मतलब पार्ट होता है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके लिए प्रोजेक्ट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अब जैसे किसी स्टेट स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे राजस्थान में कोटा जो है, चंबल नदी पे जो बांध बना हुआ है कोटा बैराज है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी रोल होता है। तो ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है डेवलपमेंट के लिए। वाई इट इज़ सो कॉल्ड, अब ये जो है ना इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इन सबको ये क्यों स्टार्ट की जाने लग गई, तो ये भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन, तो अभी जो हमने इसकी मल्टीपर्पज़ देखी थी ये इसी से रिलेटेड है कि जो पानी है उसको स्टोर करके रख लेते थे और उसको इरीगेशन में काम में लेते हैं, उसको वाटर सप्लाई में काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए यूज़ में लिया जाता है बाढ़ को रोकने के लिए, और सॉइल कंजर्वेशन जो मिट्टी है उसकी उसको भी अच्छा हेल्दी फुलफिल बनाने के लिए वाटर जो है डैम्स को रोक लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है रिवर्स जो होती है ना उसके आसपास का जो एरिया होता है ना वो काफ़ी वो मतलब वेटी हो जाता है, वेटलैंड बोलते हैं उसको, ठीक है, नम भूमि मतलब पानी यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ की जो जगह होती है ना वो काम में नहीं आती है, फिर यहाँ पर खेती नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब इस पानी को अगर ये सेम फ्लो में बहेगा आगे जाएगा तो ये वाला जो एरिया है ना ये थोड़ा ड्राई नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा ड्राई रहेगा थोड़ा वेटी रहेगा, फुल ऑफ वेटलैंड में नहीं आएगा, जिसकी वजह से इस जो एरिए को है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो है वो पीने के लिए अवेलेबल कराते हैं, और डेवलपमेंट पीसी कल्चर मतलब मछलियों को पालने के लिए भी ये एक बिजनेस होता है, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर होता है, एक उद्योग होता है, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है लोगों को कि आप वो है मछली पालन कीजिए जिससे लोगों को सोर्स ऑफ लिविंग्स में आता है, वो लोगों को जीविका के साधन में आता है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं ये इस वाटर जो मल्टीपर्पज़ जो वाटर प्रोजेक्ट है इसके अंदर लोग कंडक्ट करते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट जो है इसके लिए मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट्स रन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम जो है अलग अलग जो स्टेट के अंदर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल्स है, दामोदर नदी पे जो बना हुआ है वो पढ़ेंगे, फिर कोटा बैराज जो है चंबल नदी पे बना हुआ, इन सारों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।